हेलो, इस वीडियो में मैंने KTM Duke 200 जो न्यू मॉडल है उसका पूरा EMI ऑप्शंस के बारे में बताया है। पूरा वीडियो को देखिए। हेलो, आप लोग में से बहुत जन पूछ रहे थे कि KTM Duke 200 का EMI कितना करके पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मैंने एक कोटेशन लिया है एक शोरूम से, तो इसका जो मतलब कोलकाता में प्राइस है और इंक्लूसिव ऑफ ऑल मतलब ऑन रोड प्राइस वो है 2,27,294 रुपीज़। देख लीजिए पूरा कॉस्ट क्या क्या है, टैक्सेशन और जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह है सब है, देख लीजिए। इसके बाद मैं EMI के बारे में बताता हूँ। और इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि 50,000 का डाउन पेमेंट मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो 50,000 का अगर डाउन पेमेंट मैं देता हूँ तो EMI फॉर 36 मंथ आता है इतना 6,839 रुपीज़, और 48 मंथ्स के लिए 5,626, ठीक है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये मैं समझा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है, EMI पे क्यों नहीं लेना चाहिए वैसे, मतलब लेते तो बहुत हैं, लेते हैं, लेकिन वही प्राइस लगभग डबल पड़ जाता है या बहुत पड़ जाता है, 1.5 गुना 2 गुना पड़ जाता है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो है आधार, पैन, वोटर कार्ड, ITR फाइल है तो ठीक है, नहीं तो बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का चाहिए। और अब मैं बताता हूँ कि कितना परसेंट पड़ रहा है। ऐसे गूगल पे आप अपने से भी EMI कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए अगर 50,000 डाउन पेमेंट दिया तो कितना ये पकड़ा, लोन अमाउंट कितना हुआ 177,294, ठीक है। कितना 36 मतलब 3 इयर्स के लिए, देखिए अगर 9% होता या 10% भी होता तो इतना नहीं पड़ता, मैंने 15% ही पकड़ लिया, फिर भी लोन अमाउंट इतना आ रहा है 6,146। यहाँ पे क्या है 6,839, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी रहता है तो वो 10,000 रहता होगा, तो इसको समझ लीजिए सब ले हुए के मैंने 1,90,000 भी पकड़ लिया, ठीक है। फिर भी अगर इसको मैं पकड़ूँ कितना 15, ये इससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, इतना नहीं होगा, 190 भी समझा मैं सब चार्ज लेके, ठीक है इतना ही पकड़ा, तो ही वो लोग कम से कम 70% ले रहे हैं। और लगभग मैं बताऊं जो एक्चुअली अमाउंट है ना उससे ये लोग कितना ज़्यादा ले रहे हैं, एटलीस्ट 22% से भी ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, एक साल में इतना करके मतलब टोटल इतना हो रहा है। अच्छा ये 3 साल मिला के हो रहा है शायद, हाँ तो 8-8 करके ही पड़ रहा होगा, जो भी हो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब वैसे ही कीजिए, जैसे ये तो टोटल 3 इयर्स का इंटरेस्ट हो गया शायद, ठीक है 24 ऐसा कुछ आएगा, हाँ। तो मतलब आप लोग कुछ भी ये करने से पहले, जैसे लोन पे कुछ भी लेने से पहले आप लोग ओवरऑल जैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ये कितना है 50,000 पहले से आपने दिया है और 6,839 × 36 2,47,000, मतलब आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 3 लाख्स, ठीक है। 2,96,000 आपका ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा, 2,96,000
ठीक है, इतना आपका पड़ रहा है, मतलब वही आपका कितना ज़्यादा पड़ रहा है, करीब करीब 70,000 जैसे, ठीक है, 70,000 3 साल में ज़्यादा पड़ रहा है। तो देख लीजिए, मतलब 3 साल में अगर आपको 25% सही पड़ता है तब सही है, और नहीं तो ऐसे मतलब डाउन पेमेंट दे के लेना सही है। बाकी मतलब इसको कम ज़्यादा करेंगे तो वो इंटरेस्ट ऑफ रेट थोड़ा वेरी करता है, ठीक है, कम ज़्यादा होता है, कम इयर्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, और जितना ज़्यादा इयर्स के लिए लेंगे थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे ये वाला देखिए, 5626 x 48, ठीक है, ये 270,000 प्लस इसमें आप ऐड कीजिए 50,000 जो आपने डाउन पेमेंट किया है, तो कितना आएगा, 3,20,000, मतलब लगभग 3,20,000, अच्छा खासा ही रेट है। मतलब आप ड्यूक का हायर वेरिएंट अच्छे से ले पाएंगे अगर डाउन पेमेंट करके लेते हैं तो आपका कितना ज़्यादा पड़ गया, 1 लाख जैसा ज़्यादा पड़ गया, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि आप जितना ज़्यादा इयर्स के लिए लेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसे पूरे ओवरऑल देने पड़ेंगे, और जितना कम इयर्स के लिए लेंगे, जैसे कोई 24 मंथ्स के लिए लेगा, 12 मंथ्स के लिए लेगा, उसको और कम पड़ेगा, ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाता है तब। तो यही है, आप अगर मतलब बैंक से पहले बात करके करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शोरूम से वो लोग अप्रूव ऐसे कर देते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो, और भी कुछ डिटेल्स में पूछना है तो आप ज़रूर बताइए, एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।